युवती के साथ हुए दुष्कर्म के बाद हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। घटना सीतापुर के थाना तंबौर की बताई जा रही है। यहां एक युवती के साथ दुष्कर्म करने तथा फिर हत्या करने का आरोप विशेष समुदाय के युवकों पर लगा है। घटना की जानकारी जब हिंदू संगठनों को हुई, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने तंबौर में घटित हुई घटना का जमकर विरोध किया है। साथ ही आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाए जाने की मांग पुलिस प्रशासन से की है। महाराज जी, क्या मामला है? देखिए, आज तंबौर में एक गांव है, गांव का क्या नाम है? सिमेडी। वहां पर साकिब और आकिब नाम के दो मुसलमान लड़के एक बच्ची को उठा के रात को ले जाते हैं, उसका रेप करके उसको उसके घर के पास गली में छोड़ देते हैं। वो लड़की आती है, अपने घर पूरी बात बताती है। उसका पिता जब तहरीर देने के लिए जाता है तो उसको रास्ते से ही जो है धमकी दे के वापस कर देते हैं। लड़की इससे दुखी होकर फांसी लगा लेती है। और अभी क्या हुआ है कि उसके पिता को ले जाके पुलिस थाने में बैठा के दबाव बना रही है कि मैटर उछल ना पाए। देखिए, तंबौर में भी एक घटना हुई है जिसमें एक हमारी बहन के साथ आज फिर दुष्कर्म हुआ है मुसलमानों द्वारा। ठीक है, ये जिहादी अपना कार्य लगातार करते जा रहे हैं, हमारी बहनों को टारगेट बना के उनका बलात्कार करते जा रहे हैं। और वहाँ का जो पुलिस प्रशासन है वो मौन है। भाई को बैठा लिया गया, भाई जब कंप्लेंट करने गया उसके बाप को बैठा लिया गया। मतलब जो मुजरिम है उनको नहीं बैठाला जा रहा है, और जो इनके भाई हैं, पीड़िता के भाई हैं, बाप हैं, उनको बैठाला जा रहा है। पुलिस द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। तो मैं और महान बजरंग मुनिदास जी दोनों लोग जा रहे हैं तंबौर थाने में, और जब तक इस बिटिया को इंसाफ नहीं मिलता है, अपराधी नहीं पकड़े जाते हैं, तब तक हम लोग वहीं अनशन पर बैठेंगे, वहीं धरना देंगे। बहुत हो गया, बहुत हमारी बहनों के साथ। अभी आपने चार दिन पहले देखा कि यहाँ पर ब्रह्म कुमारी आश्रम के बाहर भी यही हुआ था, कुछ गद्दी समाज के लोगों द्वारा हमारी बहन का बलात्कार किया गया, और आज दोबारा ये घटना आई है। तो इसमें रोक लगाने के लिए अब हमें खुद कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि प्रशासन इसमें कुछ नहीं कर रहा। प्रशासन उल्टा जो हमारे पीड़िता हैं उनके परिवार को परेशान करने का कार्य कर रहा है। तो हम और बाबा जा रहे हैं दोनों लोग वहाँ थाने पर, वहाँ बात करके जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक थाने से हम लोग हिलेंगे। हिंदू संगठनों ने आरोपियों की पुलिस के साथ साठ गांठ होने का आरोप भी लगाया है। वहीं पुलिस प्रशासन के एडिशनल SP प्रकाश कुमार का कहना है कि प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा सुसंगत धाराओं में दर्ज कर लिया गया है। आज दिनांक 10/6/2023 को थाना क्षेत्र तंबौर में घटित घटना के संदर्भ में अवगत कराना है कि मृतका के पिता की द्वारा दिए गए तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीकृत किया गया है। तहरीर में आरोपित तीन अभियुक्तों की को नियमानुसार हिरासत में ले लिया गया है। सबका पंचायतनामा करा करके पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल सीतापुर भिजवा दिया गया है। मौके पर पुलिसकर्मी मौजूद हैं। कानून एवं व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। प्रकरण में संपूर्ण विवेचनात्मक कार्रवाई पूर्ण करके शीघ्रतापूर्वक इसे न्यायालय प्रेषित कराया जाएगा, ताकि शीघ्र ही फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका विचारण करके अभियुक्तों को कड़ी से कड़ी सजा नियमानुसार दिलवाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सदागति टाइम्स।